इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 3 दिन के अंदर उज़्बेकिस्तान में रजिस्टर करना पड़ता है। इट्स रशियन ओके कूल बिकॉज़ आई एम रशियन। नो आई मीन हे मेरे लिए इतना सारा ब्रेड और पेप्सी पानी लेके आके दे दिया मेरे को हाथ में यार। तो मैं पहुंच गया हूँ कोकान और इस ट्रेन में मैं आया था। माय नेम इज शहनाज़ा मुझे बता दीजिए। माय नेम इज आशीष आशीष। वाओ You made me feel like, you know, I'm in India because it's strong and very nice the way we... But it's strong, yeah. Very good. Expecting Punjab, you know? Yeah, yeah, absolutely. It's very good. say, light one. It's really light one. You know, if you go to good places where they make it strong, and then depends on the color, you know, you when you see the chai with the color dark, you know that, you know, how good it is or how strong it is, you know. It also is. Depends on patti, you know? Yeah. Chai pati, yeah. Some pati is, you know, they look like light, but it's really strong. Yeah, true, true. But some, like, you know, they look strong, but it's light. Absolutely. And котлеты. It's Russian. Oh, Russian, okay. Yes. Cool. Because I'm Russian. Yeah, I mean, not a problem. I wanted to go to Russia, but I can also enjoy Russia in Uzbekistan, so not a problem. You know, it's like that. So, अभी नताली ने यहाँ पे मुझे lunch दिया है और काफी time भी हो गया है. I mean, 4 बज गया तो भूख भी लग गया था तो यहाँ पे लंच इसने रेडी किया है एंड स्पासिबा फॉर लंच। मैं हूँ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं पहुँच चुका हूँ ताशकंद वोगजाल यानी रेलवे स्टेशन क्योंकि मैं अभी कहीं और जा रहा हूँ। आई मीन मैं जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह का नाम फरगना है। फरगना के पास एक छोटा सा टाउन है बिशरेक बोल के जो बहुत ही नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान में आता है। तो वहाँ से मेरे को इन्विटेशन आया था मेरी होस्ट का तो मैं उनके पास जा रहा हूँ और अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का वोगजाल है। ये बहुत सुंदर है आप देख सकते हो। तो ये है ताशकंद का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है। तो अभी आधे घंटे में मेरा ट्रेन है तो मैं फटाफट पहले ट्रेन में जाता हूँ उसके बाद फिर आपको सारा अपडेट बताता हूँ कि ट्रेन का टिकट्स वगैरह कैसे मैंने लिया। तो यहाँ पे है मेरा टिकट तो 7 नंबर वैगन है 42 नंबर सीट है और कुछ अलग सा दिखता है कुछ उज़्बेकिस्तान का ट्रेन। पूछता हूँ कौन सा है मेरा 7 नंबर समझ में नहीं आ रहा है। सलाम सलाम ओके एंड 8 and 7 ओके रहमत। तो ये 9 नंबर वैगन था तो अभी 7 नंबर आ गया है। मस्त ट्रेन दिख रहा है पर ये वाला और ठंड भी काफी है। 42 ओके ओके रहमत टिकट थैंक यू। तो पहुंच गया हूं मैं अपने बर्थ में और अभी बस 15 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। तो मैंने ये ट्रेन का टिकट जो है ये वेबसाइट chipta.railway.uz से मैंने बुक किया था और काफ़ी इजी है। बस रजिस्ट्रेशन डाला पैसा पेमेंट किया और टिकट आ गया मेरे ईमेल में। तो मैं इस लिंक जो लिंक मैंने यूज़ किया है मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कभी भी उज़्बेकिस्तान में ट्रेन बुक करना है तो आप इसे बुक कर सकते हो बहुत इजी है। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है उसका थोड़ा सा 2-3 दिन पहले एडवांस बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कि जैसे समरकंद टू ताशकंद हो गया तो कल का परसों का टिकट अवेलेबल नहीं है स्पेशली जो बुलेट ट्रेन यहाँ पे चलता है तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस बुक करना पड़ता है। बट मैंने ये वाला
जबान से बुक नहीं किया क्योंकि ये जो लोकेशन में जा रहा हूँ उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत ही अलग जगह पे है ये, तो इसकी वजह से मेरे को टिकट मिल गया। और मैंने जो है इस जर्नी के लिए 520 रुपये पे किया है, जो 72,000 सोम लग गया मेरा, और 550 के हिसाब से 4 घंटे का जर्नी आई थिंक सही रहने वाला, क्योंकि ट्रेन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यू नो लग्जूरियस है, तो वही 4 से 4.5 घंटे लगेगा मेरे को पहुंचने में। मेरा प्लान है कि ताशकंद में जब इस ट्रिप के एंड में मैं एक्सप्लोर करूंगा तब आपको मैं ताशकंद दिखाऊंगा। और सही ये हो गया कि व्लादी जो मेरा होस्ट था अभी ताशकंद में, उसके पास एक्स्ट्रा सिम था यूजेड मोबाइल का जो मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को दे दिया यूज़ करने के, बोला कि जब तक तू है यहाँ पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि आज मेरे को जाना था, फिर सिम का कल बारिश भी चालू हो गया तो मैं सिम खरीद नहीं पाया, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि यही बेस्ट रहेगा। फिर मैंने उसमें डेटा रिचार्ज कर लिया, अभी मैं वही सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने $4 मैंने पे किया 8 GB के लिए और कुछ मेरे को बैलेंस मिला है, तो मैं यूज़ इट मोबाइल का सिम यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, एंड जब मैं जाऊँगा वापस इंडिया या कहीं और तो मैं उसको वापस कर दूँगा ये सिम। तो मैं वापस से आ चुका हूँ ट्रेन का वॉशरूम रिव्यू करने के लिए, और सच में ये वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे साबुन है हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप, यहाँ पे साबुन, टिश्यू पेपर। ये बाथरूम काफ़ी अच्छा है इस ट्रेन का, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाथरूम भी दिखा दूँ जब ट्रेन दिखा ही रहा हूँ। तो ये ट्रेन 520 रुपये चार्ज किया है 4.5 घंटे के लिए, बट आई थिंक क्वालिटी वाइज और जो फैसिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन में वाईफाई है, मतलब मैं वाईफाई यूज़ कर पा रहा हूँ, कितना एडवांस है, मतलब ज़बरदस्त। मेरे को लगा था कि मतलब मजाक होगा, देखता हूँ कि वाईफाई है सच में और काम कर रहा है, तो एक अच्छा बात है। और दूसरा ये है कि हर सीट में आपको इस तरह का USB चार्जिंग फैसिलिटी मिलता है, तो फिर चार्जिंग भी आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक मज़ा आ रहा है, और बाहर का जो वेदर है थोड़ा सा ओवरकास्ट है, बट जिस जगह मैं जा रहा हूँ बिशरेक, वहाँ पे वेदर अच्छा है, धूप निकला हुआ है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का सेल भी होता है, वेंडर है जो चिप्स बिस्किट वगैरह सेल करते हैं, तो अच्छा है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह का ट्रेन है, ट्रेन काफ़ी खाली है, लोग कम है इस रूट में, लोग कम जाते हैं, इसलिए मैं सीट भी नहीं जाता। ज़बरदस्त व्यू है, दोनों तरफ माउंटेन्स है, कहीं पे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पे यू नो लेक दिख रहा है, कहीं पे क्या दिख रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है इस तरफ। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उज़्बेकिस्तान रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 3 दिन के अंदर उज़्बेकिस्तान में रजिस्टर करना पड़ता है, अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको रहना है, और ये रजिस्ट्रेशन होटल हॉस्टल से कर ही सकते हैं, एंड खुद से भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जहाँ पे ट्रैवलर्स खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने क्या किया, कल जो मेरा होस्ट था व्लादी और नतालिया, वो मैंने उनको बोला इसके बारे में, उन्होंने बोला हाँ ये ज़रूरी है, और कभी कभी एयरपोर्ट में पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो फ़ाइन है $500, ठीक है। और हालांकि मैंने तो ऑलरेडी गलती कर दिया था अज़रबैजान में, जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करना भूल गया था, उसकी वजह से उन्होंने मुझे बैन कर दिया 5 साल के लिए, तो यही है। तो मैंने सोचा कि इस बार इस कंट्री में पंगा नहीं लेते हैं, और मैंने कल रजिस्ट्रेशन कर दिया था, और नताली के पास यहाँ का खुद का अकाउंट है, तो उसका कुछ तो लॉगिन था यहाँ पे इस वेबसाइट में, तो क्योंकि पहले भी बहुत सारे गेस्ट जो उसके घर पे आया वो करवा चुके हैं, तो उसने कहा कि मैं कर दूँगी तेरे लिए। पर डे का 149 रुपीज़ लगता है, और मैंने 2 हफ्ते का अभी करवा लिया है उसके पास, तो मैंने मेरे पास कुछ कैश थे तो मैंने उसको दे दिया, उसने अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि एक चीज़ और है कि लोकल बैंक अकाउंट चाहिए पे करने के लिए, आप इंटरनेशनल शायद बैंक अकाउंट काम नहीं करता है जितना मुझे पता है, तो लोकल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कर दूँगी, क्योंकि मेरा अकाउंट है उस वेबसाइट में, तो मेरे पास अभी वो रिसिप्ट आ गया है रजिस्ट्रेशन का, तो अभी 14 दिन का मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अगर उसके अलावा अगर मैं और जाता रहना, क्योंकि 30 दिन का वीज़ा है, तो मैं 14 दिन के पहले फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, बट 14 दिन के बाद अगर मैं कराना चाहूँ तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसके पहले ही मेरे को कराना पड़ेगा अगर मेरा एक्स्ट्रा रहता हूँ तो।
और हालांकि जितने भी टूरिस्ट हैं वो जो हॉस्टल में रहते हैं होटल में रहते हैं वो होटल वाले करके होटल वाले ये फ्री में करते हैं, अगर आप उनके पास रहते हो तो उनको एक स्लिप देना पड़ता है आपको और वो आप इमिग्रेशन में दिखा सकते हो, जब आप एग्जिट करोगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे फ्री में। तो सिंस मैं हॉस्टल होटल में तो अभी रहने वाला हूँ नहीं मोस्टली, तो मैंने खुद से पे करके मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगर आप उज़्बेकिस्तान एंटर होने के 3 दिन के बाद अगर कोशिश करते हो रजिस्ट्रेशन करने का तो नहीं हो पाएगा, तो 3 दिन का पहले ही करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, हो सकता है कि एयरपोर्ट में मेरे को ना पूछे रजिस्ट्रेशन, बट मैं इस बार चांस लेना चाहता हूँ। फिर देखिए, फिर लगा कि यहाँ पर भी $500 पे करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बैन भी खरीदा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने 150 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने पे कर दिया। अभी मैं निश्चिंत घूम सकता हूँ। और तो ये है, आप अगर आपका कोई लोकल दोस्त है तो आप उससे भी करा सकते हो, नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप हॉस्टल होटल जहाँ भी रहोगे उन लोग आपके लिए करके देंगे, तो दिक्कत कोई बात नहीं। तो आई थिंक जितने भी सोवियत कंट्रीज़ हैं, मतलब एक सोवियत कंट्रीज़, उन लोग ये रूल रखे हैं अभी तक कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अजरबैजान में भी था, यहाँ पे भी है, फिर ताजिकिस्तान में भी अगर आप 10 दिन से ऊपर रहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये सारा रूल्स था जो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये बता दूँ आपको। तो मैं पहुंच गया हूं कोकान, और इस ट्रेन में मैं आया था, और ये कोकान का रेलवे स्टेशन है। तो 4.5 घंटा लग गया मेरे को यहां पहुंचने में, और अभी मैं जिस जगह पे हूं ये नॉर्दर्न उज़्बेकिस्तान में है। कोई गैस नहीं सर। हां बिशरेक अक्टूबर Hindistan'dan gelirken bir şarkı avtobüs. Blogger 30 kilometre. İşarik, avtobus. Avtobus. 33 kilometre. Okay. Kilometre. Okay. Sadis ya atizu. No, no, taksi niyet. Taksi niyet. Pişko? Taksi niyet. Okay. Avtobus mı? Vay ulan. Avtobus yok yani o da. तो जैसे अभी बाहर निकला वापस से टैक्सी वाले ने घेर लिया तो मैंने मना कर दिया। तो ये है वोक्जाल, और काफ़ी सुंदर वोक्जाल है ये कोकान का, और यहाँ पे जितने भी रेलवे स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे भी। और अभी पता करते हैं कि बस लेके मैं कैसे जाऊँ। आई वॉन्ट टू गो टू बिशारिक, सो डू यू नो फ्रॉम वेयर आई विल गेट द बस? बिशारिक बस, आफ्टर बस। This is Bisharik bus? No. This is not Bisharik. Kakabara Sousa. Huh? Blogger. Ah, you blogger? Yeah, you blogger. Instagram? In YouTube. Ah. Salam. Salam. Welcome Uzbekistan. Thank you. तो अभी पता नहीं है, मैं बिशारिक जाने के लिए बस ढूंढ रहा था, तो एक जना से मैं पूछ रहा था, तो फिर ये आगे भाई साहब और ये बोल रहे मेरे को लेके जाएंगे। सो यू टेक मी बिशारिक? यस यस श्योर यस ओके मैं बिशारिक का चक्कर वाला मैं आई विल पुट यू ऑन द बस ओके बिशारिक ओके। तो अभी थोड़े पहले मैं जिससे बात कर रहा था, हेल्प ले रहा था, उन्होंने फिर उनके पास ये आए और ये बोले कि मैं इसको लेके चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही पैसा नहीं देना पड़ेगा। और पता नहीं क्या हो रहा है, अभी मैं जस्ट लैंड ही किया हूँ यहाँ पे इस शहर में, और अच्छे लोग फिर से मिल गए। तो यहाँ से बिशारिक ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से अभी पता नहीं, अभी मैं बिशारिक छोड़ रहे हैं कि आसपास का बस स्टेशन जहाँ पे बिशारिक का बस मिलता है वहाँ छोड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं, तो देखते हैं। My name is Jawahir. Ashish. Nice to meet you. Pleasure. Nice to meet you. कभी तो लगता है कि ट्रस्ट नहीं करूं, क्योंकि थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ऐसे लोगों पर भरोसा करने का, बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, ट्रस्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि जिस तरह से अभी तक मैं ट्रैवल किया हूँ, लोग मिले हैं, तो ट्रस्ट करना बनता है। तो आई होप कि सब कुछ सही रहे। अंदाज़ की गाड़ी में बैठ गया हूँ, ये पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। यू आर फ्रॉम कोका? यस, आई एम फ्रॉम कोका। व्हाट यू डू? आई एम वर्किंग इन रेलवे। रेलवे, यार, नाइस। हैव अ लंच ब्रो, हैव अ लंच। आई डोंट नो, आई मीन no no su which was some su chasma water I have water no what's this water Pepsi, Sprite? No, it's fine, good, thank you. No bro. What? It's okay good. No, मैं तो बोल रहा Pepsi वगैरह लेने के लिए, पता नहीं लोग कैसे मिल रहे हैं यार यहाँ पे। अभी यहाँ पे गाड़ी रोक दे, बोलते लंच कर, मैंने मना किया तो अभी बोलते पेप्सी वेप्सी जो पीना है पी। मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए, बट मेरे लिए इतना सारा ब्रेड और पेप्सी पानी लेके आके दे दिया मेरे को हाथ में यार रहमत, बट इट वॉज ओके। आई मीन वाई डिड यू गेट इट, यू नो, इट वॉज गुड। रहमत, अब मैं क्या बोलूँ मैं अब What? Instagram? Yeah, Instagram. What? Instagram. Damas. Okay. Kaç ne kitas? Anyone is good. Akiye bak sallam. Kimin yol kaçırsa. Ben bir ama. One o'clock. Okay, one o'clock. Okay. In Uzbekistan. Okay. 1 o'clock. Okay. And go to Bisharik. Go to Bisharik? Uh-huh. Phone number. Okay, Nasiba. No problem. Huh? Okay. Give you? I'll give. Yeah. How much I have to pay here? Huh? How much I have to pay? For I you? Am. Na bir puyama. Ya zaplatil. Tenge? Yeah. Oh, sorry, a sum? No. Siz borin Bisharik tushib olaring. Sizdan hech kim pul so'ramaydi. Na bir puyama. Chiqaring siz bunga. Okay. Perfect. Thank you, brat. We are Uzbek hospital. Okay, I can hug. Thank you so much, brat. Thank you so much. Translate. Translation. Yes. Okay. Uzbek. Yes? Okay. Napishesh? Uh-huh. Abisnish. Ruski niyat. Не, ruski тоже. Okay. На узбекском напиш на переводе. Okay, I will tell him in Uzbekistan. I mean Uzbek language. Nice to meet you, brat. Pleasure. Thank you so much, Rahmat. क्या बंदा था यार, मतलब जिस तरह से इसने खातिरदारी दिखाया ना यहाँ पे इस देश में, मतलब क्या बोलूँ मैं सोचता हूँ कि हर देश में मेरे को ऐसा फील होगा कि लोग ज़्यादा यू नो पसंद नहीं करें, या तो कभी हमेशा लगता है कि नए देश में लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे या कैसे ट्रीट करेंगे, बट ये दूसरा ही दिन है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में और देखो यहाँ पे खातिरदारी। मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे मैं पहुँचूँ, और ये जगह पे मेरे को पहुँचना था, यहाँ से मेरे को गाड़ी लेके जाना था मेरे होस्ट के घर पे, तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो टैक्सी वाले सारे घेर लिए और ये कहाँ से आया पता नहीं, और मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के साथ साथ मेरे को पानी, पेप्सी और ये उज़्बेक ब्रेड मेरे को दे के चला गया और बोला कि ये है उज़्बेकिस्तान का हॉस्पिटैलिटी और तुम मेरा गेस्ट है। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और उसने इस गाड़ी का जो फेयर है वो भी पे कर दिया है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करता, मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब, पर वो मान नहीं रहा था वो, मतलब, और बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब ऐसे मना करना किसी को भी, और फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके सेंटीमेंट्स को भी हर्ट करूँ, तो ज़्यादा पैसा तो इसके लिए नहीं देना पड़ रहा था, बट जितना ही पैसा हो, बट मैं उस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो फिर मैंने फिर उनको फोर्स नहीं किया, बट अभी मेरे को बैठा के चले गए हैं। तो मैं जिस होस्ट के घर पर जा रहा हूँ उनको पहचानती है जो पीछे बैठी हुई है। हाय सलाम। तो अभी मैं सब साथ में जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो अभी निकल चुका है गाड़ी, तो यहाँ से आई थिंक 15-20 मिनट लगेगा पहुँचने में, आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, 30-31 किलोमीटर में। बाय रहमत। योर नेम? My name is Ashish. Ashish, Minya Zabut Ashish. Ashish? Okay, how are you doing? मतलब पता नहीं मेरे किस्मत के साथ क्या हो रहा है,
मैं अपने होस्ट को कॉल कर रहा था, फिर इन्होंने सुन लिया कि मैं अपने होस्ट का नाम लिया, तो इन्होंने बोला कि मैं तेरे होस्ट को जानती हूँ, ये मेरे पीछे बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर और इन्होंने बस बोला कि मैं तुमको हेल्प करूंगी, टेंशन मत लो। या तो पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कोई ना कोई मुझे हेल्प कर ही रहा है, मतलब इट्स क्रेजी। ओके थैंक यू। ओके Hi Naseeba, how are you? How are you? I'm good. How are you? Fine, and you? I'm doing good. Thanks for helping me. Yeah. And thanks to her to help me, you know, all the way. Oh. And also, you know, the guy who called you, even he was helping me from the station, you know. Oh, so really? I'm just receiving help from, you know, everywhere. Okay.